अच्छा तो यार कैसे हो तुम लोग इस वीडियो में और तुम लोगों को मैं गियर क्यूब को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्क्रैम्बल करके ले आता हूँ इसको। अच्छा तो यार मैं कैमरा मैं पहले सेट कर लूँ। तो यार एक मिनट कैसे रखूँ मैं कैमरे को समझ नहीं आ रही। तो एक मिनट। अच्छा तो यार मैंने अपना कैमरा बिल्कुल सेट कर लिया टेबल के ऊपर के। तो मैंने कहा सही कैमरा भी मतलब तो नज़र आए हम लोगों को, तो बाकी मेरे ख्याल से सही नज़र आ रहा ही होगा। तो यार एक मिनट कैसे बैठूँ मैं, मैंने रखा ऐसे है, मैं बैठा ऐसे हूँ। तो भाई शुरू करा लिया तुम लोगों के लिए ईजी होगा, मतलब तुम लोग समझ लोगे। तो यार सबसे पहले तुमने वाइट का जो क्रॉस होता है, हम तो एच का क्रॉस बनाते हैं ना वाइट, वो 3x3 में। तो यार एक मिनट मैं पहले बता दूँ मैं। तो ये जो 3x3 और इसका जो है ना कोई हास लिंक है ही नहीं, मतलब कोई होता है कि एक जो मिरर क्यूब होता है मेरे पास पड़ा नहीं, वो मैंने दे दिया था। तो उसके बजाय मैंने सिस्टर ले लिया था क्यूब ना क्यूब ना, इसको इसको कोई लिंक आया ही नहीं गियर क्यूब से। तो छोटे बड़ा मैं बताता हूँ फटाफट तुम लोगों को। तो सबसे पहले कोई सा भी एक वाइट का कॉर्नर ढूंढूंगा, ठीक है। वाइट का कॉर्नर ढूंढ, यहाँ पे वाइट वाइट कलर का आएगा, यहाँ पे तो रेड होना चाहिए ना। तो यार मैं कह रहा हूँ चुप हो, चुप नहीं हूँ। अच्छा यार छोटे बड़ा ये जो है ना, अब देखो ये जो कॉर्नर है ये इसके साथ मैच हो रहा है ना, ये इस कॉर्नर ने इधर आना है ना। तो इसको एक दफ़ा यार ये इधर आना है, तो एक दफ़ा उधर करेंगे यहाँ पे, दफ़ा नीचे। अब मैं दोबारा नहीं समझा रहा, एक ही बारी समझो। तो ये एक दफ़ा हो गया, तो जो दो होंगे ना कॉर्नर बाकी वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। जी क्यूब है यार गियर भी, इसको ऐसे करके इसके साथ मैच करोगे ना तो सारे आ जाएंगे ऊपर। तो ये आ गए, ये भी। हाँ अब करने आप लोगों ने एज मैच। तो कभी कभी होता है, एक मिनट में बोला केस सबसे पहले तो यार एक मिनट गाइस। यार एक तो वो होता है, अब वो केस आया नहीं, मैं समझा नहीं सकता वो केस जैसा आ रहा है। हाँ तो केस होता है कि वाइट तो सारे ऊपर होने चाहिए, पहले मैं समझा लूँ। अब ये देखो ये वाइट ग्रीन है ना, और यहाँ पे तो वाइट ब्लू है, वाइट क्योंकि यहाँ पे वाइट ब्लू है। तो ये जो है वाइट ग्रीन ने तो इस जहाँ यहाँ जाना है, लेकिन यहाँ पे तो ग्रीन और ग्रीन इसके बीच में तो वाइट ब्लू है। तो इन्होंने आपस में मतलब के आपस में ना स्वैप होना है, ठीक है। अब स्वैप कैसे करेंगे वही मैं समझाऊँगा। एक छोटा सा अल्गोरिथम है, यू आर टू, ये अल्गोरिथम है। तो ये बस तुम लोगों ने लगाना है, यहाँ पे लगाते हैं हम यू आर टू, फिर एक दफ़ा यू आर टू, यार एक मिनट आर टू, हाँ जो हो गया। ये देखो पहले वो यहाँ पे वाइट ब्लू था है ना, ये यहाँ पे वाइट ग्रीन था, ये आपस में स्वैप हो गए, ठीक है। कहीं इनका होता है कि ये आता है कि केस उनकी आप यहाँ भी होते हैं वाइट के एज, तो उन्होंने आपस में स्वैप होना होता है। वो मैंने तरीका आप तुम लोगों को बता दिया है। तो यार कैमरे का एंगल जो है ना, ओए शीशा मिल गया। तो यार अब मैं ऊपर टेबल के ऊपर ही बैठ गई। अच्छा आज वैसे तो कहीं का होता है कि जो वाइट के एज होते हैं वो नीचे को होते हैं ना, कि उनको यहाँ होने चाहिए ना, वो यहाँ पे हो जाते हैं। इनको भी बड़ा इजी तरीका है। तो सबसे पहले यहाँ से हम यू आर टू यू ऐसे यू आर टू हो गया, एक दफ़ा लगाना है,
रेड के साथ रेड मैच करना यार, मेरे बहुत थक गई हैं, क्या करूँ। लेकिन वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी ना, तो दोबारा लगाएंगे। R2 ये मैं पता क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये रेड हो जाएगा ना, कोई ऐसे है जो ढूंढने जो आपस में स्वैप हो रहे हो वो हमें मिलने चाहिए, वो नहीं मिले थे हमें। अच्छा यार उसको पीछे करो, बुरा लग रहा है। तो अगर वो नहीं मिलते तो यहाँ तो पकड़ के जितनी बारी हो सकता है लगाओ, तो फिर आ दे। देखो यहाँ अब इन्होंने आपस में स्वैप होना ना, देखो मैं बोल लेता हूँ अभी छोरो बड़ा, तो अब ये इन्होंने आपस में स्वैप होना ना, कोई यहाँ से पकड़ के U R2 लगा दो पकड़ के। देखो सारे आज आ गए। हाँ कहेंगे अब इससे पहले केस आता है कि आप ऊपर ही होते हैं, उन्हें स्वैप होना होता है, वो भी मैं तुम लोगों को करके दिखा देता हूँ। U R2 हो गया मैच, तो साथ सही भी हो गया कि रेड के साथ रेड मैच किया, वो एज भी मैच हो गए। आने 4-8 दफ़ा करना होता है, जिसकी वजह मतलब जिससे आपके एज सही तरह हो जाते हैं, इन जगह पे आ जाते हैं। तो यार अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक के जाना।